नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज 16 दिसंबर, आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। 18 दिसंबर को बिहार कैबिनेट की बैठक होगी गया में। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18 दिसंबर को बिहार के गया जिले पहुंचेंगे। वहीं 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं शाम 4 बजे जल जीवन हरियाली से संबंधित प्रमंडल स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार द्वारा जारी किए गए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्रतिबद्धता से काम करने में जुटे हुए हैं। ऑक्टेव 2019 का हुआ सफलतापूर्वक समापन। पटना के बापू सभागार में आयोजित ऑक्टेव 2019 का समापन हो गया है। आपको बता दें, यह कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों की कला और संस्कृति का 3 दिवसीय कार्यक्रम था। ज्ञात हो, आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रमोद कुमार, श्याम रजक, रवि परमार, दीपक आनंद, नितिन नवीन, अरुण कुमार सिन्हा, गौरी बसु समेत कई नेता उपस्थित रहे। बिहपुर की बेटी को मिला प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल। बिहार के भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड की प्रेमा को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। यह मेडल प्रेमा को गीतम विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम में एमबीए की परीक्षा में पहला स्थान लाने के एवज में मिला है। आपको बता दें, प्रेमा का यह दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले प्रेमा को 2014 में गोवा विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। चिराग पासवान ने केंद्र और राज्य सरकार पर कसा तंज। झारखंड के एक जरमुंडी सभा को संबोधित करने के दौरान लोजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष चिराग पासवान ने जमकर केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सत्ता में चाहे जिसकी भी सरकार हो, मगर अब सरकार को जवाब देना होगा। महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए सत्ता में बैठी सरकार को जिम्मेदारी उठानी होगी। उनकी सुरक्षा से संबंधित अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय गार्ड नीति बनाने की मांग की। कानपुर में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई राष्ट्रीय गंगा पार्षद की बैठक में बिहार का पक्ष रखते हुए बिहार को बाढ़ से निजात दिलवाने के लिए गंगा नदी समेत कई नदियों में गाद की समस्या पर खास जोर दिया है, जिसके तहत उन्होंने राष्ट्रीय गाद नीति बनाने की मांग भी की है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता के साथ गंगा नदी का जायजा भी लिया। अब आइए जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे राजेश कुमार की। सारा भाई वर्सेस सारा भाई में रोशेश के किरदार से चर्चित हुए राजेश कुमार बिहार के रहने वाले हैं। उनका जन्म बिहार के गया जिले में 20 जनवरी 1975 में हुआ था। सारा भाई वर्सेस सारा भाई ने राजेश को टीवी की दुनिया में एक अलग ही पहचान दिलाने का मौका दिया था, जिसके पश्चात राजेश को उनके अनोखे अंदाज के लिए कई फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला। सुपर नानी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी फिल्मों में राजेश ने अपने अभिनय से लोगों का खूब मनोरंजन किया है। सरस मेला में वीकेंड पर हुई जमकर शॉपिंग। पटना के गांधी मैदान में आयोजित सरस मेला अब बस खत्म होने की कगार पर है, लेकिन खत्म होने से पहले यानी कि शनिवार को इस मेले में खूब भीड़ देखने को मिली। जहां पर घूमने आए सभी लोगों ने जमकर मेले का मजा लिया, साथ ही साथ ढेर सारी खरीदारी भी की। आपको बता दें, इस मेले में सहारनपुर के फर्नीचर की मांग सबसे ज्यादा देखने को मिली। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर कसा तंज। भाजपा के बड़बोले कहे जाने वाले नेता गिरिराज सिंह के बाद अब भाजपा के सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी, जिन्होंने महान राष्ट्रभक्त सावरकर की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाया है, उनसे हम और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, हाल ही में राहुल गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली के दौरान यह कहा था कि सावरकर नहीं हूं जो माफी मांग लूंगा। पटना मेट्रो को मिला नया चेयरमैन। पटना मेट्रो के लिए चेयरमैन मिल चुका है। केंद्रीय आवास और शहर कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत आईएएस शिवदास मीना को पटना मेट्रो का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। पटना मेट्रो के लिए स्थायी चेयरमैन है आईएएस शिवदास मीना। तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं। वे 1989 बैच के तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाने मैदान में उतरी कांग्रेस। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में कांग्रेस भी आने वाले चुनाव के लिए प्रतिबद्धता से काम करने में जुट गया है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वह इस चुनाव में सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही रणनीति बनाएगी। इस रणनीति के तहत प्रदेश में सभी ताजा मुद्दों के संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं को जानकारी दे दी गई है, जिसके पश्चात कुछ नेता मास्टर ट्रेनर की भूमिका में नजर आएंगे, जिन्हें पार्टी प्रशिक्षण के लिए भोपाल भेजेगी। कल से 31 जनवरी तक पटना से इन ट्रेनों का परिचालन रहेगा बंद। ठंड के मौसम में संभावित कोहरे को ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग ने पटना से आने जाने वाली कई ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया है, जिसमें हावड़ा पटना जनशताब्दी गुरुवार को, पटना हावड़ा जनशताब्दी गुरुवार को, पटना रांची जनशताब्दी शुक्रवार को, रांची पटना जनशताब्दी शुक्रवार को, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस बुधवार और गुरुवार को, महाबोधि एक्सप्रेस सोमवार और मंगलवार को, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस गुरुवार को, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस शुक्रवार को,
कोटा पटना एक्सप्रेस शुक्रवार को, पटना कोटा एक्सप्रेस शनिवार को रद्द रहेंगे। बिजली दर में हो रही बढ़ोतरी पर आम जनता दे सकती है अपनी राय। अगले साल अप्रैल से बिजली दर में हो रही बढ़ोतरी पर आम जनता भी राय दे सकती है। इस बाबत बिहार विद्युत विनियामक आयोग पटना सहित राज्य के 5 शहरों में बिजली दर में 5% की बढ़ोतरी किए जाने के फैसले पर 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक लोगों की उनकी राय बताने का मौका दिया है, ताकि बिजली विभाग यह समझ सके कि उसके इस फैसले पर लोगों के क्या विचार है। विक्रमशिला सेतु पुल के समानांतर बनेगा पीपा पुल। लगातार सेतु पुल पर बढ़ते गाड़ियों की संख्या से आए दिन जाम का असर देखने को मिलता है। इसी जाम से लोगों को निजात दिलवाने के लिए 20 सूत्री बैठक में विक्रमशिला सेतु पुल के समानांतर में पीपा पुल के निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिससे कि विक्रमशिला सेतु पुल पर गाड़ियों के बढ़ते दबाव का असर घटेगा, साथ ही साथ लोगों को जाम से भी निजात मिल पाएगा। अब तिरंगा झंडा बढ़ाएगा बक्सर रेलवे स्टेशन की शान। बिहार के बक्सर जिला के स्टेशन पर जल्द ही 105 फीट लंबा तिरंगा झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा, जिसके तहत डीआरएम सुनील कुमार ने सभी रेल अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही साथ बक्सर स्टेशन की दूसरी तरफ बुकिंग काउंटर के निर्माण का भी आदेश जारी किया है। इसके अलावा जल्द ही बक्सर स्टेशन पर 4 नए एटीएम मशीन भी लगाए जाएंगे, जिसके पश्चात कुछ ही समय बाद बक्सर स्टेशन का नजारा ही बदला बदला सा नजर आने लगेगा। नए साल में चिड़ियाघर घूमने वालों की जेब नहीं होगी ढीली। नए साल के अवसर पर भारी तादाद में लोग संजय गांधी जैविक उद्यान में घूमने आते हैं। नए साल के शुभ अवसर पर चिड़ियाघर जाने वाले लोग अब 5 दिन पहले ही टिकट बुक करवा सकते हैं, जिसमें कि उन्हें नए साल पर लगने वाले शुल्क से निजात मिल जाएगा। वहीं नए साल के दिन टिकट कटवाने पर बड़ों को 100 रुपये देने होंगे, वहीं बच्चों को 50 रुपये की एंट्री फीस देनी होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रशांत किशोर पर दिया बड़ा बयान। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने प्रशांत किशोर के चल रहे नाराजगी वाले रुख को ढोंग बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर यह सब कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले नागरिकता संशोधन विधेयक का जदयू द्वारा समर्थन किए जाने पर प्रशांत किशोर ने आपत्ति जताई थी, जिसके कुछ ही समय बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके दोबारा उनके साथ होने का संदेश दिया है, जिस पर अब विपक्षी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। पूर्वी चंपारण के केसरिया बौद्ध स्तूप में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मोतिहारी के पास केसरिया में स्थित यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। यह बौद्ध स्तूप की ऊंचाई 104 फीट है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने खुदाई के बाद वर्ष 1998 में इस स्तूप की खोज की थी। इतिहासकारों का मानना है कि यहां के क्षेत्रीय लोग इस स्तूप को राजा बेन का रजा के रूप में जानते थे, जिसे बुद्ध के निर्वाण प्राप्त होने से पहले वैशाली के लिच्छवियों द्वारा बनाया गया था। वेन स्वांग, जो कि चीन यात्री था, उसकी डायरी के अनुसार उसने भी इस स्थल का दौरा किया था। रवि शास्त्री ने एमएस धोनी को सराहा। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने धोनी की तारीफ करते हुए यह कहा है कि धोनी कीर्तिमान पर ध्यान नहीं देते हैं। जब वो इस मैदान पर वापसी करेंगे तो नए सिरे से शुरुआत करेंगे। उनका थोड़ा समय के लिए क्रिकेट से आराम लेना समझदारी भरा निर्णय था। आपको बता दें, धोनी इस साल हुए वर्ल्ड कप के बाद से ही मैदान से दूर दूर हैं। आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। बारिश के कारण ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। बारिश के कारण ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही तेज हवाओं के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं दिन भर हल्की धूप निकलने की भी संभावनाएं हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 15 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,070 रुपये था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,910 रुपये था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 46,700 रुपये था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 70.98 रुपये प्रति लीटर था। पति पत्नी और वो बॉक्स ऑफिस पर कर रहा है शानदार प्रदर्शन। कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर, अनन्या की फिल्म पति पत्नी और वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिसके तहत अभी तक इस फिल्म ने कुल मिलाकर 64 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की कमाई को देखकर दर्शक इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि पर्दे से उतरते उतरते तक फिल्म 75 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। 1 फरवरी तक कई ट्रेनों का परिचालन रहेगा ठप। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए रेलवे विभाग ने सिवान से होकर दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के समय में फेरबदल किया है, साथ ही साथ कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया है। ज्ञात हो सिवान से होकर दिल्ली जाने वाली इन ट्रेन का परिचालन 1 फरवरी तक रद्द रहेगा। आपको बता दें, रेलवे ने यह फैसला दिसंबर से लेकर जनवरी महीने तक होने वाले संभावित कोहरे को ध्यान में रखते हुए लिया है। इस गाँव में सड़क का इंतजार हो गया खत्म। बिहार के गया जिला मुख्यालय से
45 किलोमीटर दूर पहाड़ी की तलहटी में बसे चिरियावा गांव में लगभग आधे से ज्यादा लोग पुलिस में कार्यरत होकर देश की सेवा में जुटे हुए हैं, मगर इसके बावजूद इस गांव के लोग सड़कों के लिए दशकों से तरस गए हैं, लेकिन उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। सरकार ने अब इस गांव में सड़क बनवाने का ऐलान किया है, जिसके बाद से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ रही है। नवादा जिले को मिलेगा राष्ट्रीय मनरेगा अवार्ड। बिहार के नवादा जिले के लिए खुशखबरी, अब जल्द ही नवादा जिले को सरकार राष्ट्रीय मनरेगा अवार्ड से नवाजने की तैयारी कर रही है। आपको बताते, राष्ट्रीय मनरेगा पुरस्कार के लिए 18 जिलों को चयनित किया गया था, जिसमें नवादा का नाम भी शामिल था। नवादा जिले को इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए डीएम कौशल कुमार 19 दिसंबर को खुद दिल्ली जाएंगे। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के मिले सुर। नागरिकता संशोधन विधेयक पर पार्टी के रुख से नाराज चल रहे प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसके पश्चात दोनों नेताओं के सुर एक ही दिखे। मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता है, अब उनके कहने पर ही जो होगा सो होगा। वहीं नागरिकता संशोधन विधेयक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो बताना था उन्होंने बता दिया है, मैं अभी भी अपने पुराने स्टैंड पर अड़िग हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, पटना में मेट्रो के निर्माण से आम जनजीवन को कितनी सुविधा मिलेगी? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक द क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।